हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या है प्लानिंग राकेश रोशन की, क्या होगी फिल्म की कहानी, क्या क्या होगा इस फिल्म में? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, ऋतिक रोशन की क्रिश फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट यानी क्रिश 4 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे उनका ऑडियंस काफी खुश हो जाएंगे। अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश 4 की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पर फिल्म का पार्ट 3 खत्म हुआ था। आने वाली कहानी में लोगों को पहले 2 गुना ट्विस्ट और टर्न दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन के पिता और डायरेक्टर राकेश रोशन इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और फिलहाल फिल्म के जरूरी हिस्सों पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, क्रिश हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा और सफल सुपर हीरो फ्रेंचाइजी है। क्रिश फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म कोई मिल गया 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा लीड स्टार्स थे। क्रिश वहीं 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा थे। क्रिश 3 की 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा के अलावा कंगना रनौत भी थी। तीनों ही फिल्में दर्शकों को काफी पसंद आई थी। अब फैंस लंबे समय से इसके अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, पिंक बुला की रिपोर्ट के अनुसार क्रिश 4 की कहानी पिछले सीन से शुरू होगी। राकेश रोशन इस फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म काफी बड़े बजट के साथ बनाई जा रही है। फिल्म में कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस होंगे जो पहले दर्शकों को कभी भी दिखाई नहीं दिए होंगे। रिपोर्ट के अनुसार निर्देशक क्रिश 4 के म्यूजिक के बारे में पहले ही हिंट दे चुके हैं। उन्होंने फिल्म के म्यूजिक को लेकर कहा था, हमने अभी तक क्रिश 4 के संगीत पर काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन जैसे ही स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो जाएगी, हम फिल्म के म्यूजिक पर भी काम करना शुरू कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि राकेश रोशन ये भी बता चुके हैं कि क्रिश 4 एक बड़ी और भव्य फिल्म होगी। उन्होंने कहा था कि इसे कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद ही बनाई जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म के कमर्शियल पॉसिबिलिटीज को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी फिल्म विक्रम बेदा को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए। दूसरी तरफ वो सिद्धार्थ आनंद के फिल्म फाइटर को लेकर भी काफी बिजी चल रहे। बता दें कि फाइटर में ऋतिक के साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है। वहीं एक्टर जॉन अब्राहम भी फिल्म में अहम भूमिका में दिखाई देंगे। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वैसे एक और खास चीज है आप सभी के लिए, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।